भागलपुर का कतरनी धान जो अपने पतले अनाज और सुगंध के लिए बिहार ही नहीं भारत भर में जाना जाता है, अब अपनी नई पहचान के साथ पूरे विश्व में बिहार की माटी की खुशबू फैलाएगा। प्रस्तुत है भागलपुर के स्थानीय प्रभेद कतरनी धान की एक ग्लोबल ब्रांड बनने की कहानी। कतरनी धान की एक सुगंधित स्थानीय प्रभेद है जो भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों खासकर जगदीशपुर में किसानों द्वारा सदियों से उगाया जाता रहा है। इसके दाने पतले और मध्यम लंबाई लिए हुए होते हैं। इससे बने सुगंधित चूड़े के लिए यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके चावल गुणवत्ता में बहुत ही उत्तम होते हैं। यही कारण है कि विदेशों में भी कतरनी चावल की बहुत मांग है। आवश्यकता इस बात की थी कि कैसे इसे संरक्षित किया जाए ताकि इससे मिलते जुलते उत्पादों से इसकी बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव और किसानों को हो रहे नुकसान सहित खरीदारों को ठगी से बचाया जा सके। और इसी दिशा में आत्मा भागलपुर और जिला कृषि कार्यालय सहित बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अथक प्रयास से इस कतरनी धान को आज एक नई पहचान यानी GI टैग दिलाई जा सकी है। और अब कतरनी धान से बने चावल और चूड़े का संरक्षण और अच्छे प्रकार हो सकेगा। आत्मा भागलपुर द्वारा कतरनी धान के इस सुगंधित प्रजाति के संरक्षण के लिए यहां जगदीशपुर में सबसे पहले कतरनी धान के उत्पादन में आ रही समस्याओं पर खुद को केंद्रित कर समाधान की दिशा में कई प्रयास किए। इसके लिए आत्मा ने यहां किसानों के समूह बना, प्रशिक्षण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर सहित कई स्थानों पर परिभ्रमण के लिए भेजा। साथ ही श्री विधि तकनीक पर 6 पाठशालाओं का आयोजन कर श्री विधि तकनीक से कतरनी धान लगाने की विधि भी सिखाई गई। आत्मा द्वारा यहां खेती में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य के अनुरूप किसानों के बीच चौपाल, बैठक, किसान वैज्ञानिक मिलन सहित इन जैविक खाद बनाने की तकनीक और अनुदानित दर पर जैविक खाद दे जैविक खाद के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित किया गया। साथ ही ढैंचा और मूंग के बीज भी वितरित कर इन्हें जैविक धान के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया।